बज़ाहिर मसरूफियतों से भरी हुई ज़िंदगी इस तरह अपने अंजाम को पहुंच जाती है कि इसके पास एक खाली ज़िंदगी के सिवा और कोई सरमाया नहीं होता। एक इम्कान जब ख़त्म हो जाता है तो उसी वक्त दूसरे इम्कान का आगाज़ हो जाता है। जिस दुश्मन को आप हलाक नहीं कर सकते, इसको ज़ख्मी भी ना कीजिए, क्योंकि ज़ख्मी दुश्मन आपके लिए पहले से भी ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता है। इस दुनिया में ना झूठे इक्तदाम की कोई कीमत है और ना झूठी शिकायात की। कुत्ता हमेशा इस वक्त आपकी तरफ दौड़ेगा जब वो आपको कमज़ोर महसूस करेगा। अगर वो देखे कि आपके पास ताकत है तो वो आपकी तरफ रुख नहीं करेगा। जो लोग मौके को इस्तेमाल करने में नाकाम रहें, इनके लिए कोई मौका मौका नहीं। वक्त कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ दिलचस्पियों की कारगुजारी है। अमली नतीजा सिर्फ अमली कामों से हासिल किया जाता है। अल्फाज की खेती से अमल की फसल काटी नहीं जा सकती। बड़े काम करने वाले वो लोग हैं जिनका हाल ये हो कि इनके अमल ही इनका मुआवजा बन जाएं। हर कामयाबी सबसे ज़्यादा जो चीज़ मांगती है वक्त है, मगर कामयाबी की यही वो कीमत है जो आदमी देने के लिए तैयार नहीं। हकीकत पसंदी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज है और हार मानना हकीकत पसंदी की आला तरीन मिसाल। जब भी आपका मुकाबला किसी मुश्किल से पेश आए तो सबसे पहले ये मालूम कीजिए इसका कमज़ोर मकाम कौन सा है। आदमी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में अपना वक्त बर्बाद करता है वो अफसोस है। दूसरों के दरमियान जगह हासिल करने का राज सिर्फ एक है, आप दूसरों की ज़रूरत बन जाएं। कभी दूर का रास्ता अमलन ज़्यादा करीब होता है। अक्सर हालात में नाकामी की वजह यह होती है कि आदमी फौरन कामयाबी चाहता है।